हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कोचिंग। आप सभी का मेरी इस कोचिंग में तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर मैं आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कराता रहता हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक हमारा एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में मैं आपके लिए दो पार्ट कम्प्लीट कर चुका हूं, जिसमें लोगों ने अंकों के बेस्ड पर, डिजिट के बेस्ड पर हम लोगों ने कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट जो आपके होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक, उनके बेस्ड पर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हुए। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत जरूर देखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों से लिख देता हूं यहां पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ए वी इज इक्वल टू एल, ए बी एल है तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने विजुअल है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, W X Y Z। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, क्या वो है आपकी इजोटी। तो आप इजोटी का जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इजोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां कहीं मैं आपको इजोटी के बारे में बता देता हूं। आई थिंक सो यहां आपको विजुअल है, यहां पर आपको विजुअल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको विजुअल। देखिए यहां पर छोटा छोटा अक्षर लिखा है मैंने, तो शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी। चलो मैं बाद में लिख दूंगा उसको, चलो इस साइड लिख देता हूं कहीं पर। यहां पे आपका स्पेस है ना, ठीक, यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहां पे ये ब्लैक की स्केच से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। विजुअल है आपको, बिल्कुल सही, ठीक। यहाँ पर देखिए ई आपका आता है पांच नंबर पे, जे आपका है दस नंबर पे, ओ आता है पंद्रह नंबर पे, टी आता है बीस नंबर पे और वाई आता है पच्चीसवें नंबर पे। ये होता है आपका इजोटी रूल, यहां से आपको बहुत सारी मदद मिलती है। देखिए आप देखिए ई आपका कितने नंबर पे आता है, ई आता है आपका एक नंबर पे, बी आता है आपका दो नंबर पे, ये दोनों में क्या हो गया बारह बन जाओ। एल कितने नंबर पे आता है, एल जस्ट जे के दो अक्षर बाद आता है, जे के एल, तो कितने नंबर पे आएगा ये बारह नंबर पे आएगा। तो यानी इन दो संख्याओं इन दो संख्याओं की जो वैल्यू है ना वही अगले नंबर की वैल्यू है। तो यहां पर आप देखते हैं बी आता है दो नंबर पर, सी आता है तीन नंबर, तेईस नंबर पे क्या आता है भाई, तेईस नंबर पे आता है आपका डब्ल्यू, क्या आता है तेईस नंबर पे आपका डब्ल्यू आता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इजोटी नाम की ये चीज जो है वो हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखनी है भाई, कि ये वैल्यू आपकी पांच के बराबर होती है, ई पांच के बराबर, जे दस के बराबर और ओ पंद्रह के बराबर, टी बीस के बराबर और वाई पच्चीस के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज को आपको याद जरूर रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर इसी आप सेकंड के मूव करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू एन ओ है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एल एम की, ये वैल्यू क्या हो, ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ऑप्शन से आपके सामने एक्स वाई, वाई जेड, सी एक्स और सी जेड, ऑप्शन आपके सामने विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों का ये है ए बी इक्वल टू एन ओ है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों ए आपका आता है एक नंबर पे और एन आपका कितने नंबर पे आता है, चौदहवें नंबर पर। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट, एक यहाँ पर ये आता है आपका एक नंबर पे, ये आता है आपका चौदहवें नंबर पर, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ भाई, तेरह का इंक्रीमेंट हुआ भाई। और इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, बीस, बी आता है दो नंबर पर, ठीक है ना, ये अलग अलग लिखे हुए हैं, और वो आता है आपका कितना पंद्रहवें नंबर पे आता है, तो इसमें भी तेरह का वृद्धि हुआ भाई, कितने का वृद्धि हुआ,
13 का वृद्धि हुआ, इसमें भी आपका 13 का वृद्धि हुआ, ठीक है, दोनों में 13 13 30 30 का दोनों में वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर भी अपना करना एल आपका जितने नंबर पे आता होगा उसमें हम कर देंगे 13 की वृद्धि, जो कि आपका एल कितने नंबर पे आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पे, और इसमें 13 जोड़ेंगे 25 नंबर पे, क्या आता है आपका 25 नंबर पे आता है आपका वाई, तो वाई हो जाएगा पहली बात। तो एम आपका कितने नंबर पे आता है, एम आता है आपके 13वें नंबर पर, ठीक है ना, 13वें में 13 जोड़ देंगे 26 नंबर पे क्या आता है आपका जेड आता है, तो वाई और जेड इसका कॉम्बिनेशन जिसमें ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इकलौता एक ऑप्शन ऐसा है बी ऑप्शन जिसमें आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है पूर्णतः रूप से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए, आज का आपका अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे बिना किसी देरी के, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका AGIO EK और यहां पर है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन और मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, MK MS NT NW, ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कैसे करोगे भाई। ये आता है आपका एक नंबर पर, ठीक है ना, आई आता आपका 9 नंबर पे, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ भाई, 8 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का हुआ 8 का इंक्रीजमेंट। जी और ओ के बीच क्या अंतर है, देखो जी आपका कितने नंबर पे आता है, जी आपका आता है तो क्या है आपका जी आता है आपका 7वें नंबर पर, ठीक है ना, और ये आपका ओ होता है वो आता है आपका 15वें नंबर पर, ठीक है ना, इसमें भी कितने का वृद्धि हो रहा है 8 का वृद्धि हो रहा है, इन दोनों में 8 का वृद्धि इसमें भी करना है। ई कितने नंबर पे आता है 5वें नंबर पे आता है, 5 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 8 13 हो जाएगा, 13वें नंबर पे क्या आता है आपका एम आता है, ठीक है, 13 नंबर क्या आता है एम आता है, और के कितने नंबर पे आता है आपका के आता है 11वें नंबर पे, और 11 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे इसमें जब 8 जोड़ देंगे 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, 19वें नंबर पे क्या आता है आपका एस आता है, तो एम एस जिस ऑप्शन में होगा वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम एस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए गाइस मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए, आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे आप बिना किसी देरी के, ए बी जेड वाई, ठीक है, सी डी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 4 की आपके सामने ऑप्शन ये रहे एक्स डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे और तरीका ये रहा आपका। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक चीज कि ये जो उसका अपोजिट है, ए का उल्टा क्या होता है भाई जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है वाई होता है, तो सी और डी का उल्टा क्या होगा भाई, देखो ये आपको बताना है। तो आपको पता है सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा होता है आपका एक्स, सी का उल्टा क्या होगा आपका एक्स होता है, डी का उल्टा क्या होता है आपका डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स और डब्ल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए गाइस मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए, आज का आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे, मैन और यहां पर आपका पीडीक्यू और वैन और क्वेश्चन मार्क,
कैसे सॉल्व करोगे बाबू? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। चारों के चारों ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, वाई डी क्यू और है आपका एक ऑप्शन जेड डी क्यू एक्स डी क्यू और डब्ल्यू डी क्यू। विजुअल है आपको? बिल्कुल विजुअल है आपको, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर आप मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए कैसा क्या इंक्रीजमेंट हुआ। देखिए M से वैल्यू हो गई आपकी डी, सॉरी M से वैल्यू हो गई आपकी P, N O P कितना का इंक्रीजमेंट हुआ भाई? 3 का इंक्रीजमेंट हुआ। A से वैल्यू हो गई आपकी D कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? 3 का इंक्रीजमेंट हुआ। N से वैल्यू हो गई आपकी Q कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? O P Q कितने का हुआ भाई? 3 का इंक्रीजमेंट इसमें भी हुआ, ठीक है ना। सब में क्या हो रहा है? 3 की वृद्धि हो रही है, पहली संख्या से में भी और दूसरी में भी तीसरी में भी। तो हम सब में क्या करेंगे, वैन यहाँ पे लिख लेते हैं, वैन यहाँ पर लिख लेते हैं और इन सभी में 3-3 की वृद्धि कर देते हैं। 3 की वृद्धि करेंगे, एक्स वाई जेड हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। ए से करेंगे 3 का वृद्धि, क्या हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एन से करेंगे 3 का वृद्धि, ओ पी क्यू हो जाएगा आपका, यानी जेड डी क्यू कॉम्बिनेशन जिस क्वेश्चन में आ जाएगा, जेड डी क्यू जिस ऑप्शन में आपका ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, वही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, जो कि आपको केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए गाइस मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। सेशन प्रश्न जरूर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इस बार लिए हुए हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आप मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आप मूव करेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वी ए बी, ठीक है। यू सी डी और यहां पर है आपका टी ई एफ एंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शंस में आप लोगों के सामने लिख देता हूं, एच डी एक्स एस टी वाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 के अनदर ऑप्शन में आप लोगों के लिख देता हूं एस जी एच एम डी एच। आई थिंक सो आपको सारे के सारे ऑप्शंस विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही हो। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैसे करोगे? देखो भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो पहली संख्या की पहला नंबर जो आपका वी और इसमें ये संख्या बन गया आपका यू, इसमें कितना एक घट गया इसमें भाई। ए से वैल्यू होगी आपकी सी, कितने का वृद्धि हुआ? 2 का वृद्धि हुआ, यानी कि पहले तो एक घटा फिर 2 बढ़ गया, उसके बाद देखते क्या हो रहा है, उसके बाद भी आपका 2 संख्या फिर वृद्धि हो रही है, यानी पहले तो एक संख्या घटाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी ई एफ, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक घटाना है। तो टी में जब एक घटाएंगे तो बचेगा आपका एस, ई में आपको 2 जोड़ना है, एफ जी हो जाएगा आपका, एफ में भी आपको 2 जोड़ना है, ठीक है ना। एफ में भी आपको 2 जोड़ना है, एफ के बाद क्या आता है जी आता है, जी के बाद क्या आता है एच आता है। एस जी एच जिस कॉम्बिनेशन में एस जी एच आपका राइट आंसर होगा, वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखते हैं भाई एस जी एच किस ऑप्शन में, इस पहले में तो नहीं, दूसरे में तो नहीं, तीसरे में है भाई एस जी एच। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और आज का आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उसको जरूर देखिएगा, उसको देखकर ही आप लोग जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी है आपका और ये है जेड वाई एक्स, ठीक है, और ये है आपका डी ई एफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डी एफ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, जी एच आई, ठीक है,
क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑप्शन आप लोगों के सामने, जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। कैसे करोगे भाई? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जस्ट अपोजिट पोर्शन चल रहा है। ए का अपोजिट होता है आपका जेड, बी का अपोजिट आपका होता है वाई, सी का अपोजिट होता है आपका एक्स। तो डी का अपोजिट क्या होगा भाई? डी का आपका अपोजिट होता है डब्लू। डी का आपका अपोजिट होगा क्या? डब्लू। ई का अपोजिट होगा आपका वी। एफ का आपका अपोजिट होगा यू। तो यू देखो यहाँ पर देखा जाए तो डब्ल्यू वी यू जिस क्वेश्चन में होगा, जिस ऑप्शन में होगा, वो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया मेरे प्यारे दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोगों के लिए, और मस्त तरीके से पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।